कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। इस तरह का तुगलकी फरमान ला करके हमारे साथ ये घोर अन्याय क्यों कर रही है। जो युवा सरकार को तख्त ताज पिलाए हैं, आज वो उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। एक होता है ना कि पागल हाथी जब होता है ना तो शहर में आके ही आतंक मचाता है। साथियों जोहार, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। ये मैं आज आपके सामने आया हुआ हूँ केवल एक छोटी सी बात को लेकर के, जिसे मैं सोचने के लिए विवश हो चुका हूँ, मजबूर हो चुका हूँ, और आखिरकार मैं खुद को रख नहीं पाया, और इसलिए मैंने अपने बातों को आप तक सिर्फ साझा करने का प्रयास किया कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। सरकार तो हर बात पे दिखाने का प्रयास कर रही है कि वो हम अभ्यर्थियों के हित में सारा काम कर रही है, हम अभ्यर्थियों के हित के लिए वो सब कुछ करना चाह रही है, लेकिन ये हित दिख क्यों नहीं रहा है। मैं छोटा सा बात करूंगा, अभी पंचायत सचिव के रिजल्ट को लेकर के भी बात करूंगा कि 4 वर्ष हो गए यार, 4 वर्ष में अभी तक से कोई भी सकारात्मक पहलू हमें दिख क्यों नहीं रहा है। बार बार सरकार इस तरह का तुगलकी फरमान ला करके हमारे साथ ये घोर अन्याय क्यों कर रही है। ये मतलब सारी बातें समझ से परे हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको कि बिना एग्जाम हुए किसी को हम कर्मचारी नहीं बना सकते हैं, लेकिन बिना इलेक्शन कराए सरकार ने किसी को नेता बना दिया। अब देखिए वहाँ का जो इलेक्शन का जो तिथि है वो 17 अप्रैल घोषित कर दिया गया है। उसका नॉमिनेशन कब होगा वो भी घोषित कर दिया गया है। कब उसका रिजल्ट आएगा 2 मई को आएगा वो भी पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। तो ये लोग पहले से ही मतलब कि जहाँ पे हजारों लाखों युवाओं का भविष्य बन सकता है, उनका भविष्य सवर सकता है, वैसी परिस्थितियों में आखिर ये सत्ता में बैठे मठाधीश क्यों नहीं चाहते हैं कि उनके लिए पहले कुछ बड़ा ठोस कदम उठाया जाए, उसके बाद हम इस सब चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले अपने बारे में। उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और वो यही चाहते हैं, और इसके लिए अगर वो किसी को भी परेशानी में डालेंगे, बिल्कुल नो डाउट, उनको कोई इससे परवाह नहीं, मतलब नहीं है। अब चुनाव होंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, वो परिणाम घोषित कर दिया गया है, और उससे बड़ी बात की उनको तो पहले ही मंत्री घोषित कर दिया गया है। तो पंचायत सचिव का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, तो इसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आया, फिर एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारा प्रक्रिया करने के बाद भी अभी तक से रोक के क्यों रखा गया इस चीज को। सिर्फ पंचायत सचिव नहीं, मैं झारखंड के विगत सारी बहालियों के बारे में बात करूंगा कि सरकार जिस तरह का फरमान ला रही है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो या तो फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, या तो फिर उनके अंदर एक बड़प्पन दिख रहा है जिन्हें यह नजर नहीं आ रहा है कि जो युवा सरकार को तख्त ताज पिलाए हैं आज वो उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। तो क्या ये वक्त फिर नहीं बदलेगा? वक्त ही बदलेगा, हम धैर्य भी रखे हुए हैं और धैर्य रखेंगे भी, और हमारी भी बारी आएगी। और मैं थोड़ा सा और कुछ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, JPC के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बताइए कि अभ्यर्थी लगातार स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए, आंदोलन पे आंदोलन किए, बहुत सारे अनशन हड़ताल भी किए कि उनकी उम्र सीमा को बढ़ा दिया जाए, लेकिन क्या किया आखिर सरकार ने? नहीं बढ़ाया, उनकी एक ना सुनी गई। और क्या किया गया, क्या कहा गया कि वो लोग अधिकारी बनने के लायक नहीं है, बताइए। यहाँ पे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री 80 साल के हैं और वो सांसद में एक सीट खा के बैठे हुए हैं, क्या जरूरत था? वो चाहती क्या है, वो सरकार आखिर चाहती क्या अपने आप को कि वो पूरी तरह से अपने परिवार को ही सर्वसत्ता, और मतलब कि ये तो हद है भाई, कोई भी मतलब कि अबुआ देश अबुआ राज कर करके लूट रही है झारखंड को, और हम जैसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा बस तमाशा बीन हो गए, तमाशा देख रहे हैं। वो वाकई में हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमें तो मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है, कि हम कोई एक गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी उस पर टूट पड़ेंगे, लाखों करोड़ों युवा उसके पीछे लगे रहेंगे और वो अपना पूरा का पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देंगे। जब नहीं होता है थक हार होते हैं और फिर कहीं दूसरा जगह में फिर लगते हैं, और मतलब कि एक अजीब सा ही लगता है कि जो युवा पिछले लगातार लंबे समय से एक प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे कि हम भी अधिकारी बनेंगे, वो 35 साल के बाद अधिकारी बनने के लायक नहीं रहेंगे, लेकिन खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 50 वर्ष के होंगे और वो युवा मुख्यमंत्री कहला सकते हैं।
उनके पिताश्री 80 साल के रहेंगे, वो सांसद में जा सकते हैं। मतलब कि ये थोड़ा सा अजीब लगता है, और इसीलिए मैं अपने बातों को आप तक साझा करने का प्रयास किया है। और कुछ कुछ रणनीतियां बन रही है कि अगर हमारे रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, पंचायत रिजल्ट को, और झारखंड के और भी तमाम अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को मांग रहे हैं, अगर नहीं किया जाएगा उनकी मांगों को पूरा, तो 17 अप्रैल को जो इलेक्शन है उसमें ये जेएमएम जो अभी वर्तमान सरकार है उसको एक बड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम अभ्यर्थी केवल अपना रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग चुपचाप शांत होकर के अपने जीवन बसर करेंगे, हम लोग अपने जिंदगी को उसी में बिजी कर देंगे। और अगर हमारे पास कुछ पाने के लिए रहेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो था वो है पंचायत सचिव। और लग रहा है आप सरकार के इस तरह का तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो फिर एक होता है ना कि पागल हाथी जब होता है ना तो शहर में आके ही आतंक मचाता है। फिर उसके बाद ये चुनौती होगी सरकार को कि वो अभ्यर्थियों को कैसे संभालेगी, जब इतने सारे अभ्यर्थियों को सरकार बेरोजगार करेगी, इतने सारे अभ्यर्थियों के, इतने सारे युवाओं के भविष्य के साथ अगर सरकार खेलेगी तो ये युवा भी चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, वो भी अपना हक और अधिकार का जवाब मांगेंगे और उनको देना भी होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत धन्यवाद।